नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा में 100% रहेगा अतिरिक्त प्रश्नों का विकल्प। सरस्वती पूजा के दौरान गंगा नदी में बंद होगा नाव का परिचालन। किशोरों के टीकाकरण के मामले में बिहार खिसका चौथे स्थान पर। आज से बदलेगी कोर्ट में सुनवाई की व्यवस्था। पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने विराट को नहीं माना महान कप्तान। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा में 100% रहेगा अतिरिक्त प्रश्नों का विकल्प। मंगलवार से बिहार बोर्ड की परीक्षाओं की शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर छात्र तो तैयारियों में जुटे हैं, साथ ही साथ बोर्ड ने भी अपनी तरफ से तैयारियों को तेज कर दिया है। यही कारण है कि परीक्षा से ठीक एक दिन पहले बिहार बोर्ड ने परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के पैटर्न को लेकर बड़ी जानकारी दी है। बिहार बोर्ड की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार बोर्ड ने साफ किया है कि हर विषय में 100% अतिरिक्त प्रश्नों का विकल्प रखा गया है। इसमें छात्रों के लिए वस्तुनिष्ठ के साथ लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी हर प्रश्न का विकल्प रहेगा, जिसके बाद ही अब परीक्षा कल सुबह 9:30 से शुरू होगी। तो वहीं छात्र 9:20 तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर सकते हैं। वहीं दूसरी पारी 1:45 पर शुरू होगी। छात्रों को 1:35 पर प्रवेश करना होगा। सरस्वती पूजा के दौरान गंगा नदी में बंद होगा नाव का परिचालन। जल्द ही सरस्वती पूजा का आगमन होने वाला है। हालांकि कोरोना के कारण इस बार किसी बड़े कार्यक्रम का आयोजन तो नहीं होगा, लेकिन पूजा के दौरान गंगा नदी में नाव के परिचालन पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने सारी जानकारी साझा कर दी है, जिसके तहत अब 5 फरवरी से 7 फरवरी तक गंगा नदी में नाव का परिचालन बंद रहेगा। इसको लेकर अनुमंडल पदाधिकारी ने आदेश भी जारी कर दिया है। एसडीओ की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार अक्सर ऐसा देखा जाता है कि काफी संख्या में लोग नाव के माध्यम से गंगा में इस पार से उस पार जाते हैं, साथ ही नाव पर ओवरलोडिंग की संभावना बनी रहती है, इसीलिए नाव परिचालन पर रोक लगा दी गई है। इस दौरान गंगा में घात लगा करके धारा 144 भी लागू रहेगी। 1 फरवरी से कैट शुरू कर रहा है व्यापार संवाद अभियान। आगामी 1 फरवरी से कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स अपने 1 महीने के मेगा राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत करने वाला है, जिसमें अलग अलग मुद्दों की मांग की जाएगी, जिसके तहत ही बहुप्रतीक्षित ई कॉमर्स नीति, राष्ट्रीय खुदरा नीति लागू करने, सरकार द्वारा हो रही देरी और जीएसटी कालाधन प्रणाली में बढ़ती जटिलताओं समेत व्यापार पर हो रही चौतरफा हमला शामिल है, जिसमें वो व्यापारी संवाद शुरू करने के लिए तैयार है, जिसके माध्यम से ही कैट भारत के खुदरा व्यापार पर एक सर्वेक्षण तैयार करने जा रहा है, जिसको लेकर कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने सारी जानकारी साझा कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार ये सर्वेक्षण खुदरा व्यापार की क्षमता, व्यापारियों के सामने आ रही चुनौतियों और सुझावात्मक उपचारात्मक उपायों के संदर्भ में सबसे बड़ा सर्वेक्षण होगा। भारत में खुदरा व्यापार लगभग 130 लाख करोड़ रुपए का वार्षिक कारोबार कर रहा है। बिहार का कई जिला शीतलहर की चपेट में, तो वहीं इन 17 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट। बिहार में आमतौर पर फरवरी महीने आते ही ठंड का प्रकोप कम होने लगता था, लेकिन इस बार स्थिति ठीक उलट है। आलम कुछ यूं है कि जनवरी महीने के लगभग खत्म हो जाने के बाद भी राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में शीतलहर देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, बिहार के 17 जिलों में तो बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की माने तो प्रदेश में 3 फरवरी को पटना समेत प्रदेश के 17 जिले, जिसमें गया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पश्चिम और पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज में मेघ गर्जन के साथ बिजली चमकने के साथ ही हल्के से मध्यम स्तर के बारिश के आसार हैं। इन मौसमी प्रभाव को देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। किशोरों के टीकाकरण के मामले में बिहार खिसका चौथे स्थान पर। देशभर में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। इसी बीच देशभर में टीकाकरण के काम को भी जोर शोर से किया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि भारत में कोविड टीकों की अब तक 165.95 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। इसी के साथ देश की 75% आबादी का टीकाकरण पूरा हो चुका है। वहीं बिहार इस मामले में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। इसको लेकर रविवार को केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट जारी कर जानकारी साझा की है, जिसके बाद ही पीएम मोदी ने भी उनके इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए देशवासियों को बधाई। टीकाकरण अभियान को सफल बना रहे सभी लोगों पर गर्व है। वहीं बिहार की ही बात करें तो बिहार में अब तक 11.21 करोड़ से अधिक आबादी को कोरोना की वैक्सीन लगा चुकी है, जो कि बालिग है। आज से बदलेगी कोर्ट में सुनवाई की व्यवस्था। देशभर में कोरोना के मामलों में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए न्यायालयों के कामकाज की व्यवस्था में एक बार फिर से बदलाव किया गया था, जिसके तहत कोरोना के मामलों को देखते हुए ही सुनवाइयों को डिजिटल कर दिया गया था। वहीं अब मामलों में आ रही गिरावट को ध्यान में रखते हुए ही आज से पटना जिले के सभी सेशन और सब डिविजनल कोर्ट वर्चुअल मोड में काम करने लगेंगे, लेकिन आज से ही ये फिजिकल मोड में भी सुनवाई करेंगे। पटना के जिला और सत्र न्यायाधीश सुनील दत्त मिश्रा ने इसको लेकर एक आदेश भी जारी कर दिया है। इसके मुताबिक अब फिजिकल और वर्चुअल दोनों तरीकों से मुकदमों की सुनवाई चलेगी। इसको लेकर जिलों के सभी अधिवक्ता संघ को सूचना भेज दिया गया है। हालांकि ध्यान रहे, इस दौरान कोर्ट परिसर में
अनावश्यक लोगों के प्रवेश पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। बिहार के कई शहरों में जल्द ही शुरू होगी उत्तर प्रदेश और ओडिशा के लिए बस सेवा। बिहार के विभिन्न शहरों से साल 2022 के अंत तक दूसरे राज्यों में जाने के लिए बस सेवा की शुरुआत होने वाली है। साथ ही उम्मीद है कि होली से पहले बिहार के आधा दर्जन शहरों से यूपी और ओडिशा के लिए जल्द ही नई बस सेवा की शुरुआत हो जाएगी। इसको लेकर परिवहन विभाग ने भी ग्रीन सिग्नल दिखा दिया है। मिली जानकारी के अनुसार परिवहन विभाग ने इस बाबत उत्तर प्रदेश और ओडिशा के बीच 30 रूटों पर बसों का परिचालन करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही 5 रूटों पर निजी संचालन के लिए भी परमिट देने का निर्णय लिया गया। परिवहन विभाग इन सबको लेकर के रूट तय कर आवेदन आमंत्रित करने वाला है, जिसके बाद ही अब राज्य भर के विभिन्न शहरों में बसों का परिचालन शुरू होने से लोगों को सहूलियत होगी। हाल ही के दिनों में पटना से दिल्ली के लिए वॉल्वो बस का परिचालन किया गया था, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। इसी को देखते हुए अब अन्य राज्यों के लिए भी बस सेवा की शुरुआत करने की बात कही गई है। पटना के अटल पथ से सीधा पार कर सकेंगे गंगा नदी। बिहार की राजधानी पटना को जल्द ही जाम मुक्त बनाने का काम किया जा रहा है। इसको लेकर बिहार सरकार लगातार काम कर रही है। यही कारण है कि बिहार का पथ निर्माण विभाग लगातार पटना में सड़कों का जाल बिछा रहा है। इसी क्रम में पटना शहरवासियों के लिए खुशखबरी जारी की गई है, जिसकी मदद से अब पटना से हाजीपुर और छपरा लोग कम समय में ही पहुंच जाएंगे। साथ ही पटनावासी अटल पथ से अपने वाहन जेपी सेतु होते हुए हाजीपुर और छपरा भी ले जा सकेंगे। इसको लेकर पथ निर्माण विभाग ने अटल पथ से जेपी सेतु की कनेक्टिविटी कर दी है। इतना ही नहीं, इस सड़क के माध्यम से पटनावासी सीधे हाजीपुर छपरा के लिए गंगा नदी पार तो कर सकेंगे ही, साथ ही साथ बोरिंग रोड, पाटलिपुत्रा, बेली रोड समेत एक दर्जन इलाकों से अब जेपी सेतु की सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। बिहार में मेडिकल में एडमिशन की तारीख में हुआ बदलाव। बिहार में मेडिकल कॉलेज के 85% सीटों पर एडमिशन तारीख में बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद की तरफ से बदलाव कर दिया गया है, जिसको लेकर की अब अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग 2021 के तहत अब फर्स्ट राउंड के आधार पर एडमिशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 से 7 फरवरी तक होने वाली है। हालांकि इससे पहले फर्स्ट राउंड के आधार पर एडमिशन 2 से 5 फरवरी तक होना तय था, जिसे बीसीई सीईबी ने 2 दिन तक और बढ़ा दिया है। इसके साथ ही सेकंड राउंड के एडमिशन तारीख में भी बदलाव कर दिया गया है। अब सेकंड राउंड के आधार पर सीट आवंटन रिजल्ट 10 फरवरी के बदले 18 फरवरी को जारी किया जाएगा। IGIMS में ठप है जीनोम सीक्वेंसिंग। बिहार अभी तीसरी लहर की चपेट में है ही, जिसके तहत ही सरकार से यही उम्मीद थी कि जीनोम सीक्वेंसिंग के काम को जोर शोर से किया जाएगा। IGIMS में खुले बिहार के पहले जीनोम सीक्वेंसिंग लैब को देखकर उम्मीद भी यही जागी थी, लेकिन अब बिहार में खुले इकलौते जीनोम सीक्वेंसिंग लैब ठप पड़े हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार में अब ये तो जरूर पता चलेगा कि कितने कोविड संक्रमित पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है, लेकिन किस वेरिएंट के कारण मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होने वाला है। यही कारण है कि प्रदेश में कितने ओमिक्रॉन के मरीज है, इसकी पहचान भी नहीं हो पा रही है। अभी तक यहां 2 बार ही जांच हो सकी है। पहली बार में 32 सैंपल में 28 और दूसरे में 40 में 40 सैंपल ओमिक्रॉन संक्रमित मिले थे। पंचायती राज मंत्री के घर के बाहर हुआ हंगामा। आज सुबह बिहार की राजधानी पटना में बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के निजी और सरकारी आवास के बाहर भारी बवाल देखने को मिला। कई सालों से वेतनमान और नौकरी स्थायी करने की मांग कर रहे ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र के कर्मियों ने मंत्री के निजी और सरकारी आवास को घेर लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बैनर, लाठी, पेट्रोल, डीजल, टायर के साथ साथ प्रदर्शनकारी मंत्री आवास के बाहर बवाल काटने लगे। हालांकि ये विरोध प्रदर्शन अचानक ही शुरू नहीं हुआ, बल्कि ग्राम रक्षा के सैकड़ों कर्मियों ने सोमवार की सुबह पहले ही आत्मदाह करने की चेतावनी दे दी थी। इसी को लेकर भारी पुलिस बल की तैनाती पंचायती राज मंत्री के आवास के बाहर की गई थी। इसी को लेकर कई कर्मी बोतल में पेट्रोल भरकर भी लाए थे, लेकिन वहां मौजूदा पुलिस कर्मियों ने इसके पहले से ही बोतल जो पेट्रोल से भरी थी उसको ले लिया था। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने राज्यपाल फागू चौहान से की मुलाकात। बीते दिन शाहनवाज हुसैन ने राजभवन पहुंचकर फागू चौहान से मुलाकात की। दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत भी हुई। जानकारों की माने तो इस दौरान शाहनवाज हुसैन ने बिहार में उद्योग को लेकर किए जा रहे कार्य के बारे में राज्यपाल को जानकारी दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जब से उद्योग विभाग की जिम्मेदारी शाहनवाज हुसैन ने संभाली है, तब से ही वो बिहार में एक के बाद एक उद्योग की स्थापना करने में व्यस्त नजर आ रहे हैं। अब तक कई उद्योग को वो सफलतापूर्वक स्थापित भी कर चुके हैं। वहीं आने वाले समय में बिहार को उद्योग का हब बनाने की तैयारी में है। हाल ही में उन्होंने हस्तकला उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिहार इंपीरियल की शुरुआत भी की थी। उसके बाद ही उन्होंने बीते दिन एक बार फिर से राज्यपाल से मिलकर बिहार में उद्योग को लेकर जारी काम पर चर्चा की है। जरूरत पड़ी तो पीएमसीएम मुर्दाबाद भी बोलूंगा। एमएलसी चुनाव को लेकर के बिहार के राजनीतिक गलियारे में इन दिनों सीटों के बंटवारे का काम हो रहा है, जिसके तहत ही बिहार के लगभग सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव में अपने अपने उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी कर ली है। इसी को लेकर हाल ही में एनडीए की तरफ से भी चुनाव को लेकर सीट बंटवारे की जानकारी साझा की गई थी। हालांकि इसमें वीआईपी और हम को बाहर रखा गया, जिसके बाद से ही वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का बगावती रवैया देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, अब तो मुकेश सहनी ने एक बार फिर से अपने बागी रवैये को साफ कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने साफ कहा है कि आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ी तो पीएम और सीएम मुर्दाबाद के नारे लगाऊंगा। एक बताशा तो जरूर चाहिए, इसके लिए चाहे मंदिर टूटे या मस्जिद।
देशभर में कोरोना के मामलों में गिरावट जारी। देशभर में कोरोना की तीसरी लहर की मार देखने को मिल रही है। हालांकि अब दैनिक मामलों में थोड़ी गिरावट जरूर दिख रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार देशभर में बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 209,918 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद ही संक्रमितों की संख्या 4.13 करोड़ से अधिक हो गई है। इसके साथ ही बीते 24 घंटे में देशभर में 959 लोगों की जान चली गई है, जिसके बाद देशभर में जान गंवाने वालों की संख्या 4,95,050 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 53,669 की कमी दर्ज की गई है और अब इनकी तादाद 18,31,268 हो गई है, जो संक्रमितों की कुल संख्या का 4.43% है। इसके साथ ही मौजूदा मामलों के सामने आने के बाद संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 94.37% हो गई है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने विराट को नहीं माना महान कप्तान। विराट कोहली भारत के टेस्ट प्रारूप में महानतम कप्तानों में शुमार है, क्योंकि उन्होंने 68 मैच में 40 टेस्ट भारत को जितवाए हैं। हालांकि पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर का मानना है कि विराट भारत के महान कप्तानों में शामिल नहीं है। मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जब आप कोहली को देखते हैं तो उनके बारे में बहुत सी चीजें पसंद आती है, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उदाहरण पेश किए हैं। इस सीरीज से पहले वांडरर्स टेस्ट मैच जब वो एक खराब पिच पर खेले, भारत श्रृंखला 2-0 से हार गया, लेकिन कोहली ने कप्तान के रूप में एक मिसाल कायम की। मांजरेकर ने आगे दावा किया है कि कोहली उनके लिए भारत के अब तक के सबसे महान कप्तानों में से नहीं है। इस बारे में उन्होंने कहा कि इसलिए जब हम सर्वकालिक महान खिलाड़ियों के बारे में बात करते हैं तो इसमें धोनी को नहीं गिनना बहुत अनुचित होगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है प्रिया रॉय, माइकल मुर्मू, रोशन कुमार, पवन कुमार, राम चेला गोंड, धीरज कुमार, गजेंद्र सिंह, मिथुन कुमार, रविरंजन यादव, लक्ष्मण कुमार, रामसेवक यादव, इब्राहिम सैफी, शिव पूजा कुमार, संतोष हंसदा, सीमा राज। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारतीय टीम का अब तक सबसे बेहतरीन कप्तान कौन रहा है? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।